क्या आपको पता है कि आप एक अनपढ़ और गवार मम्मी हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट आप हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने ये डिसीजन लिया है कि आपको आइडियल हेल्थ और आइडियल वेट पर आना है, लेकिन आप अपने फूड हैबिट को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि ये खाना, जो भी पर्टिकुलर आप पिज्जा बर्गर कोई भी ज्यादा स्वीट शुगर या कोल्ड ड्रिंक आपको हानि कर रहा है और आप उसको छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो खा लेते हैं जब भूख लगती है या जब इच्छा होती है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बाद में आपको गिल्ट होता है, तो आप बेहद ही एक अनपढ़ और गवार मम्मी हैं। कैसे? यहाँ पर अनपढ़ और गवार मम्मी का ये मतलब नहीं कि आपको लेडी होना है, आप एक फीमेल है, नो। हर एक इंसान के दिमाग में एक चीज समझने की जरूरत है। आज आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझाना चाह रही हूँ कि कैसे आप एक अनपढ़ और गवार मम्मी हैं। आपका जो माइंड है उसके तीन पार्ट हैं बेसिकली। पहला पार्ट है लोअर पार्ट, दूसरा है मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो होता है बच्चा। आपके घर में जिस तरह से बच्चे आपके कुछ भी आइसक्रीम खाना है, कोल्ड ड्रिंक खाना है, केक खाना है, कुछ भी अनहेल्दी खाना खाना है, तो आप डिसीजन लेते हैं उसके लिए, सही है तो देते हैं, नहीं सही है तो नहीं देते हैं। तो वो सबसे पहले किसको बोलता है? इन इंडिया इट इज कॉमन कि वो सबसे पहले मम्मी को बोलता है। अब मम्मी को यहाँ पर समझदार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ मम्मियां होती हैं जो लॉजिकल होती हैं, समझती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चे को कंट्रोल करती हैं। कुछ मम्मियां इमोशनल होती हैं। मैं यहाँ उस इमोशनल मम्मी की बात कर रही हूँ जो पढ़ लिख करके अनपढ़ और गवार का डिसीजन लेती हैं। यहाँ पर जो मम्मी होती है, जो हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन जो बोलते हैं, जो मेन ब्रेन का फंक्शन करता है, वो जो ब्रेन है वो डिसीजन लेता है कि ये इसके लिए सही है या गलत है। अगर उसको लगता है कि सही है या गलत है, तो भी अगर उसको लगता है कि ये देना चाहिए, ये डिमांड पूरा करना चाहिए हमारे लोअर पार्ट का, तो वो अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को मैसेज देता है कि आपके बच्चे ने, मतलब लोअर पार्ट ने ये डिसीजन लिया है, आप इसको चॉकलेट खिला दो, आप अभी केक खिला दो, आप अभी ये जो अनहेल्दी फूड है वो खिला दो। वो ऊपर वाला प्यार में अंधा है, वो बेचारा पति है, आपका पति, आपके लिम्बिक ब्रेन का पति है, वो प्यार में अंधा है, उसे कुछ नहीं पता, उसे एक ही भक्ति पता है कि मेरी वाइफ ने जो बोला वो मुझे उसको पूरा कर देना है, ठीक हमारे इंडियन हस्बैंड्स के जैसा। तो वो सिर्फ डिसीजन लेता है और वो आपके डिसीजन को मान लेता है। मींस आपके बच्चे ने जो डिमांड दिया, आपकी बॉडी ने जो क्रेविंग दिखाई, आपके मिडिल पार्ट जो ब्रेन है, मम्मी माँ वाइफ, उसको ने डिसीजन लिया कि दिलवा दो ना, कितना रो रहा है, आपने उसको दिलवा दिया, खाया आपने उसको, खा लिया, थोड़ी देर के बाद आपको गिल्ट आया, यार दिन भर नहीं खाया था, अभी मैंने खाया, ये मैंने गलत कर दिया। इस वक्त आपने ठीक वैसा एक्ट किया जैसे एक अनपढ़ गवार माँ करती है, एक अनपढ़ गवार वाइफ करती है, कि पता सब कुछ है फिर भी खाने में कंट्रोल ना कर पाए और बाद में गिल्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को समझदार बनाइए। एक महिला को समझदार होने के बाद पूरा घर परिवार और समाज समझदार होता है। अपने लिम्बिक ब्रेन को स्ट्रांग बनाइए। लॉजिकल ब्रेन है वो डिसीजन लेता है, उसको स्ट्रांग करिए, और अपना जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो सिर्फ फिजिकल कंफर्ट समझता है कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, सिर्फ उसकी दुनिया उतनी है, इसको स्ट्रेंथन करिए। उसको आप मैसेज दीजिए क्या सही है क्या गलत है, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है मतलब नहीं है। और अपने जो हस्बैंड है बेचारे, जो पति है, उसके प्यार की वैल्यू करिए। मींस जो डिसीजन मेकर है हमारे ब्रेन का, उससे सही डिसीजन लीजिए, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए, अपने हेल्थ को सक्सेसफुल बनाइए। वीडियो समझ में आए, पसंद आए, फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार महिलाएं हैं, महिलाएं में पुरुष भी हैं, क्योंकि उनकी यहां बात हो रही है ब्रेन की। थैंक यू।